आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि शाहरुख खान साहब को स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह हो सकती है कि शाहरुख खान ने सबके सामने ये बात कबूल ली है कि वो एंग्शियस हैं, थोड़े से नर्वस हैं और वो इसी के चलते अपने नाखूनों को चबा रहे हैं। आइए इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिरकार इसके पीछे क्या है मामला। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RHLBHOJ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब 2023 में धमाका लेकर आ रहे हैं। एक तरफ पठान है, एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ टंकी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले वो अपने प्रोडक्शन के तले एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि है डार्लिंग्स। आपको याद होगा मैंने उस पर रिव्यू किया था और मैंने बोला था कि SR के भैया क्या बनाए हो डार्लिंग्स, लाइक सीरियसली। इसमें शेफाली शाह हैं, आलिया भट्ट हैं और विजय वर्मा मुख्य किरदार में हैं। रोशन मैथ्यू भी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे किरदार जो हैं उसमें हैं। अब दोस्तों, डार्लिंग्स जो है वो 5 अगस्त को रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। 5 अगस्त को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, लेकिन शाहरुख साहब जो हैं वो अपनी उंगलियां अपने नाखूनों को चबा रहे हैं। एक्चुअली आलिया भट्ट ने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, सोशल मीडिया पे लिखा कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, एंड आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं अपना शुरुआत, क्योंकि आलिया भट्ट का भी प्रोडक्शन जो नया है वो भी यहीं से ही शुरुआत कर रही है। तो उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि शाहरुख खान का मुझे साथ मिला, जिस पर शाहरुख खान कहते हैं लिटिल वन यू डिजर्व दिस, कि जिस तरीके की जॉय, जिस तरीके की हैप्पीनेस तुम हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एंग्शियस हूँ इस वक्त और स्लीपलेस नाइट्स हैं और प्लस मैं अपने नाखून चबा रहा हूँ जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं हो जाती है। जी हाँ, बट आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली गोना लव बाय द ऑडियंस। तो डार्लिंग्स के बारे में दोस्तों शाहरुख खान साहब ने पहले ही बात बोल डाली है। अब देखते हैं कि डार्लिंग को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जो भी चीज़ें आएंगी, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, मैं अपना रिव्यू भी बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी ये फिल्म। आपको बस बने रहना है मेरे साथ, देखते रहना है टेली खजाना। मैं इजाजत दो, मुझे इजाजत दो, बाय।